हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल PWT में। साथियों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, और मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग बचे हुए फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाते हुए, तो हम लोगों ने उस दिन लगभग 6 कैरेक्टर्स को देखा था, तो आज 7 नंबर से देखते हैं। दोस्तों देखिए, मेटल्स के पास कैरेक्टर होता है यानी स्टेट, अगर देखा जाए स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर जो बेसिकली जो होता है मैटर, वो जनरली 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 मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, देखिए जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है। मरकरी जो होता है वो दोस्तों लिक्विड होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम और पोटेशियम जो होते हैं, और सोडियम और पोटेशियम जो होता है दोस्तों, वो उसे हम सॉफ्ट सॉलिड कहते हैं। एंड एंड पोटेशियम एंड सोडियम क्या होते हैं दोस्तों, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड का मतलब इनको आसानी से नाइफ के द्वारा भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट ऑफ मेटल्स, ठीक है, यानी मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, मेटल किस स्टेट, मेटल कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 8वां मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, मेटल के पास थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दोस्तों, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें पाई जाती है, ये मेटल के अंदर पाई जाती है। देखिए, मेटल में हमने आपको बताया था कि जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट देयर सरफेस, उनके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण उनके अंदर थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। साउंड प्रोड्यूस करने का इन द सेंस, जब उसे हम पीटते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, ठीक है। जैसे अगर आयरन को पीटते हैं, आयरन को अगर रब करते, जैसे आपके स्कूलों में घंटी जो देखे होंगे पहले बेल, अब तो बेल में भी क्या लगा रहता है, मेटल ही है, आयरन का ही रहता है, वो रिंग करता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक बेल आ गए हैं, उसमें स्पीकर्स लगे होते हैं, लेकिन जो पुराने आपके स्कूलों में लगे हुए थे, हम लोग के तो स्कूल में कुछ इस तरीके का घंटी लगा हुआ था, कुछ इस तरीके का आयरन का रहता था, और जो गार्ड भी होते थे वो ऐसे ऐसे इसको पीटते थे, तो हमें सुनाई देता था कि ये एक पीरियड खत्म हो गया है, सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो पहला बेल खत्म हो गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इससे पता चलता था। तो क्यों, क्योंकि आयरन के पास सॉलिड होता है आयरन, तो इसलिए उसके पास जब हम उसे पीटेंगे तो उसमें से मेटेलिक साउंड निकलता है, तो इनके पास साउंड की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। साउंड यानी मेटल है मेटेलिक साउंड, ठीक है, मेटेलिक मेटेलिक साउंड, ठीक है। मेटल मेटेलिक साउंड प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस फ्रॉम मेटल्स, यानी जब हम मेटल्स को हैमर से पीटते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, वही साउंड क्या कहलाता है, मेटेलिक साउंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, डेंसिटी के बारे में देखते हैं। डेंसिटी के पास हाई डेंसिटी होती है, हाई मेटल्स के अंदर हाई डेंसिटी देखने को मिलती है, लेकिन जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम
पोटेशियम होता है, इनको दोस्तों हम लोग लाइट मेटल कहते हैं, लाइट मेटल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या इन्हें कहते हैं, लाइट मेटल्स भी इन्हें कहा जाता है, किसको, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को। तो दोस्तों अभी तक हमने मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, अब हम लोग देखते हैं मेटालिक सीरीज ना, एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स अब देखते हैं। आज हमारा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो सब इससे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज यानी मेटल्स का किस तरीके से रिएक्टिविटी होता है उसके ऑर्डर में, नहीं ना कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव कौन है। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो दोस्तों इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, ठीक है, वो ट्रिक आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत ही मैंने बहुत ही मेहनत से इस ट्रिक को बनाया है। इस ट्रिक को जानने से पहले, इस ट्रिक को हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे तरीके से समझाते हुए, लेकिन एक बार जनरली मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि क्या ट्रिक है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो उसमें होता है पापा बाबा, ठीक है, काका नाना, पापा बाबा, पापा यानी पोटेशियम ना, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, ऐसे घटता जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद क्या आएगा, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, Mg, Mg के बाद क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, ठीक है, मंजन करो, ठीक है, क्रोमियम, Cr से क्रोमियम, ठीक है, तो पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, मंजन करो, फिर आयरन भी, आयरन भी, ठीक, फिर आयरन भी, ये मेरा ट्रिक है, आयरन भी, उसके बाद फिर Cd को निकाल, Cd को कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, क्योंकि सीडी को निकाल, क्योंकि एसएन पब एसएन का मतलब है टिन ना, पब गई है, ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है, अब यहां से पेपर छपता है, CH3H-CHAPPA, ठीक है, ये सी से क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर, ये एच जी, ए जी प्लेटिनम हो गया, ये AU। तो दोस्तों ये है रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, फिर बैरियम है, Ba बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, Fe यानी आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और लास्ट में AU गोल्ड। तो ये है दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज किसका, मेटल्स का, मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और मैं इस ट्रिक को एक नए वीडियो में, अलग से वीडियो बना के इस ट्रिक को मैं समझाऊंगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको पसंद आए तो इस तरीके से याद करिएगा। देखिए 20 के 20 पूरे हमने यहाँ पर रख लिख दिया है, हमने पूरे 20 एलिमेंट्स को रख दिया है यहाँ पर, जो भी मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार, ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेशियम का होता है और सबसे नीचे कौन है, गोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी मेटेलिक सीरीज में क्यों रखा गया है, ठीक है, आप लोग इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।